हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने जेई क्लासेस मिरट परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में चलने वाले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है। किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स जान लेने बहुत आवश्यक हैं। सबसे पहला, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस, सेकंड बोर्ड का पेपर पैटर्न, और थर्ड आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो सब्जेक्ट कितने नंबर का है, मिनिमम मार्क्स हमें कितने चाहिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग टू पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला बोर्ड का पेपर पैटर्न और सेकंड आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड पॉइंट आपका जो सिलेबस है उसकी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहला बोर्ड का पेपर पैटर्न क्या है। सबसे पहला हम बात करेंगे मैक्सिमम मार्क्स की। तो जो आपका सब्जेक्ट है वो 50 मार्क्स का अधिकतम है, लेकिन 75 मार्क्स का आपका पेपर आता है। अटेम्प्ट आपको 50 नंबर का करना है। 25 नंबर की आपकी चॉइस है, 25 नंबर का क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। अब हम बात करेंगे मिनिमम या पासिंग मार्क्स या न्यूनतम अंक की। तो मिनिमम मार्क्स आपके 17 होते हैं। यदि आपके 17 नंबर से कम आते हैं तो आपकी इस सब्जेक्ट में बैक लग जाती है, आप इस सब्जेक्ट को दोबारा नेक्स्ट सेमेस्टर में देंगे। बात करेंगे समय यानी टाइम कि एग्जाम आपका कितने टाइम का होगा। तो 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का आपका ये पेपर होता है। अब आता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कुल प्रश्नों की संख्या। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 5 आते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में चॉइस आती है। जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो इसमें आपके 3 प्रश्न आएंगे, तो किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर करना है हमें। इसी प्रकार पांचों क्वेश्चन में आपकी इसी प्रकार चॉइस होती है, 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर देना है। अब हम बात करेंगे पेपर लैंग्वेज की। तो जो आपका पेपर का लैंग्वेज है, पेपर की जो भाषा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती है। जो भी आपको चॉइस करना है आप उसमें चॉइस करके उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन यदि किसी भी हिंदी वाले पेपर में यानी हिंदी में जो क्वेश्चन लिखा है यदि उसमें आपको लगता है कोई एरर है या गलत लिखा है तो हमें इंग्लिश में जो हमारा क्वेश्चन लिखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। यदि आप हिंदी वाले वर्जन का आंसर देते हैं तो आपका वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बोर्ड पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट्स जेई क्लासेस मेरठ के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको सारी क्लासेस अच्छी लगती हों तो उन्हें अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जेई क्लासेस मेरठ परिवार ने आप सभी के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं इंपॉर्टेंट उनके सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट की हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ जिसका नाम है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है उसके जो मार्क्स हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला आपका एक्सटर्नल मार्क्स, दूसरा होता है इंटरनल मार्क्स। तो दोनों को हम बाय वन समझेंगे। देखिए, सबसे पहला है एक्सटर्नल मार्क्स। एक्सटर्नल मार्क्स वो होते हैं जो बोर्ड के द्वारा पेपर लिया जाता है और बोर्ड के द्वारा आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल लेने के लिए टीचर्स भेजे जाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर जो बोर्ड नंबर आपको देता है उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल मार्क्स। ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, सबसे पहला थ्योरी मार्क्स और दूसरा प्रैक्टिकल मार्क्स। जो आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं, पेपर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं थ्योरी मार्क्स। अभी हमने देखा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट हमारा कितने नंबर का है, 50 का, तो वही है थ्योरी मार्क्स 50। और जो आपके कॉलेज में एग्जाम में प्रैक्टिकल लेने के लिए आएंगे तो प्रैक्टिकल मार्क्स आपके हैं 40 यानी 40 के। तो 50 प्लस 40 कितना हो गया, 90। तो एक्सटर्नल मार्क्स आपके हो गए 90 या 90। अब हम चलेंगे अपने सेकंड पॉइंट्स की तरफ। सेकंड पॉइंट है हमारा इंटरनल मार्क्स। इंटरनल मार्क्स कौन से होते हैं, जो आपके कॉलेज में मिड टर्म एग्जाम होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर जो कॉलेज द्वारा बोर्ड को मार्क्स भेजे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरनल मार्क्स। ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला थ्योरी मार्क्स कितना है, 20। उसके बाद प्रैक्टिकल कितना है, 20। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 40 यानी 40। इसी प्रकार इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के नंबर मिला देने से आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है वो कुल कितने नंबर का हो गया, 130 नंबर का, 130 नंबर का आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बोर्ड पेपर पैटर्न और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।